मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और जब यही किसान अपनी खेती के लिए सरकारी व्यवस्था से लाचार हो जाए और सरकार से मदद की उम्मीद करें और ये मदद ना मिले तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल तो बजेगा ही। मध्य प्रदेश के विदिशा तहसील के सिरोज में कमलनाथ सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे किसानों के कि उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, मगर किसानों का कर्ज माफ़ तो नहीं हुआ बल्कि यूरिया खाद के लिए किसान काफ़ी परेशान है। खेती छोड़कर पूरा दिन यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में किसानों की कर्ज माफी और यूरिया खाद को लेकर जमकर नारेबाजी हुई और विधायक उमाकांत शर्मा ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राज्य की सरकार खेती के एन वक्त पर जब यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी तब किसानों को सहजता के साथ यूरिया उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुई है। पाँच पाँच दिन छः छः दिन लगातार लाइन में लगने के बाद भी आज तक यूरिया किसानों को ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाया है, अत्यंत कमी है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश की सरकार की निंदा करते हैं। राज्यपाल जी से हमने आह्वान किया है कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल निर्देशित करें और किसानों को उनके सोसाइटी क्षेत्र में जा करके मौके पर यूरिया उपलब्ध कराएँ। सोयाबीन की फसल नष्ट हुए सर्वे होकर दो तीन महीने व्यतीत हो गए लेकिन आज तक सोयाबीन का मुआवजा फसलों का क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। हमने तो ये सुना कि 250 रुपये बीघा 200 रुपये बीघा आरबीसी के नियमों के विरुद्ध भी जाकर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के कर्मचारी किसानों की मजाक उड़ा रहे, इसकी हम निंदा करते। हमारे प्रदीप लारिया विधायक नरियावली सागर जिला के ऊपर यूरिया की मांग करने पर मुकदमा बना दिया गया, हम इसकी भी निंदा करते हैं। कर्ज माफी हुई नहीं, किसान डिफॉल्टर हो गया, कर्जदार हो गया, बीमा की राशि नहीं भर पाया आज किसान। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।